लगभग 36 अस्पतालों समेत एलएनजेपी अस्पतालों अस्पताल के एक मुहिम शुरू की, जिसमें हर डॉक्टर तक पीपीई किट्स N95 मास्क सरकारी डॉक्टर तक पहुंच सके, और जितने सरकारी अस्पताल के अलावा प्राइवेट अस्पताल हैं या MBBS MD डॉक्टर्स के क्लिनिक हैं वहां तक भी पीपीई किट्स और N95 मास्क कांग्रेस पार्टी की ओर से पहुंच सके। अशोक अरोड़ा जी, अरविंद दंतोड़ी, इसके साथ साथ सोडियम हाइपोक्लोराइड का सॉल्यूशन भी सब बड़े अस्पतालों में हमने दिया। हमारा ये निर्णय भी है कि हमारे पत्रकार मित्र जो कोरोना वॉरियर्स हैं, पुलिस के हमारे सिपाही और अधिकारी जो कोरोना वॉरियर हैं, वहाँ तक भी N95 मास्क पहुँचा पाए, और हमने हर थाने के अंदर अभी जाएंगे और N95 मास्क हम अभी पहुँचाकर आएंगे। कुरुक्षेत्र जिले में जैसा मैंने आपको बताया था, पेहवा, इस्माइलाबाद, शाहबाद, बबैन, लाडवा और आज कुरुक्षेत्र, ये 6 के 6 शहर हमने कवर कर लिए। इससे पहले कैथल में कैथल शहर, उसके साथ साथ सीवन, गुलाचीका, धान, कुंडरी और कलायत, ये भी हम कवर कर चुके हैं। इसके बाद कल से जींद जिले में भी इसी प्रकार से सारे सरकारी डॉक्टर, प्राइवेट डॉक्टर साहिबान, अस्पताल, पुलिसकर्मी, वहाँ तक हम इसी प्रकार से पहुँचेंगे। ये कांग्रेस के साथियों का एक संकल्प है जो हम सब ने लिया है और हम इसका क्रियान्वयन कर रहे हैं। नर सेवा ही नारायण सेवा है और इसीलिए हम इस यज्ञ में लगे हैं। पर आज इस मौके पर मैं एक अलग बात और कहना चाहूँगा। भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान की सबसे अमीर पार्टी है। सैकड़ों हजारों करोड़ रुपया दान के तौर पर, चंदे के तौर पर भारतीय जनता पार्टी हर साल देश और हरियाणा में इकट्ठा करती है। हरियाणा की खट्टर सरकार ने तो मुख्यमंत्री कोष के अंदर लगभग 200 करोड़ रुपया जबरन वसूली से इकट्ठा किया है। ये वसूली की है कर्मचारियों की तनख्वाह का 10% से लेकर और 30% तक काट कर। आप जाकर हरियाणा के डॉक्टरों से पूछिए, नर्सेज और पैरामेडिकल स्टाफ से पूछिए, पुलिस के कर्मियों से पूछिए, क्लास 4 के हमारे सफाई कर्मचारियों से पूछिए, बिजली और पानी के स्टाफ से पूछिए। ये कोरोना वॉरियर्स हैं, इन कोरोना वॉरियर्स की तनख्वाह से भी, उनसे बगैर किसी अनुमति और राय के कट्टर साहब ने 10% से 30% तक पैसा काट लिया। इसी प्रकार से मोदी जी ने PM केयर फंड के नाम पर 20,000 करोड़ रुपया दिल्ली में इकट्ठा कर लिया। क्या खट्टर साहब हरियाणा को बताएंगे कि वो 200 करोड़ रुपया गया कहाँ, उसका इस्तेमाल हुआ कैसे? ये सरकार का पैसा नहीं, ये हरियाणा के कर्मचारियों, उद्योगपतियों, जनता, दुकानदारों, किसानों का पैसा है। इसका बाकायदा वेबसाइट बनाकर कितना पैसा किससे आया और कितना पैसा कहाँ गया, आदरणीय मनोहर लाल खट्टर साहब को इसका हिसाब देना चाहिए था। और आज भारतीय जनता पार्टी के सांसदगण, विधायकगण, मंत्रीगण पूरे हरियाणा में कहाँ हैं? अपने अपने घरों में दुब के बैठे हैं। अगर कोई कहे कि मैं अब चेक दूंगा तो फौरन वो प्रकट हो जाएंगे अपने बिलों से बाहर आकर। परंतु क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार की और भारतीय जनता पार्टी के दल के तौर पर जिम्मेवारी नहीं थी, जजप्पा की जिम्मेवारी नहीं थी कि वो आगे बढ़कर जनसेवा का ये कार्य करते? पर खट्टर साहब ने तो प्रवासी मजदूरों को घर वापसी का शुल्क भी मुफ्त नहीं किया। कांग्रेस पार्टी ने कुमारी शैलजा जी के माध्यम से 42 लाख रुपया खट्टर साहब के पास प्रवासी मजदूरों की घर वापसी की टिकट का जमा करवाया। क्या भारतीय जनता पार्टी बताएगी कि उन्होंने ये सारा शुल्क वहन क्यों नहीं किया, जैसा पंजाब ने किया, राजस्थान ने किया, महाराष्ट्र ने किया, छत्तीसगढ़ ने किया, पुडुचेरी ने किया? उम्मीद है कि अब भी देर नहीं हुई। खट्टर साहब आज भी अपने कार्यकर्ताओं, नेताओं, मंत्रियों, विधायकों, सांसदों को प्रेरित करिए कि वे कांग्रेस की इस जनसेवा की मुहिम का अनुसरण करें। कोई प्रश्न आप पूछना चाहें तो स्वागत है। यदि ये सरकार ने हिसाब ना दिया तो
मुझे लगता है कि नैतिक, सामाजिक, राजनीतिक और संवैधानिक दायित्व मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर का बनता है कि वो लगभग 200 करोड़ रुपया जो उन्होंने कोरोना के नाम पर इकट्ठा किया है वो बताएं कि वो पैसा कहां से आया और उन्होंने किस किस मद के अंदर खर्च किया। ये पैसा हरियाणा की सरकार का तो नहीं, ये तो हरियाणा के कर्मचारियों की तनख्वाह से जबरन काटा गया, हरियाणा के उद्योगपतियों से जबरन वसूली कर उन्हें चेक देने के लिए कहा गया, हर छोटे छोटे और बड़े व्यवसायी से ये पैसा लिया गया, कई किसानों मजदूरों ने भी स्वेच्छा से कुछ पैसा दिया। कभी खट्टर साहब 5 रुपया प्रति विद्यार्थी मांगते हैं, कभी 5 क्विंटल प्रति किसान अनाज का दान मांगते हैं, कभी 10% से 30% तक कर्मचारी की तनख्वाह काटते हैं, कभी उद्योगपतियों को डंडा कर जबरन वसूली करते हैं। तो उसका हिसाब क्यों नहीं दिया जाना चाहिए? जनता यह हिसाब भी मांगती है। कांग्रेस तो अपना कर्तव्य निभाएगी, सेवा हमारा कर्तव्य भाव है, हम इसे निभाएंगे। कांग्रेस के साथियों ने अलग अलग जिलों में बेहतरीन काम किया, परंतु सरकार और सरकारी दल भाजपा और जजपा इससे गुरेज क्यों कर रहे हैं? उनके विधायक, मंत्रीगण, सांसदगण, उनके नेतागण बिलों में छुपे क्यों बैठे हैं? बाहर आकर जनसेवा का बीड़ा क्यों नहीं उठा रहे? ये एक वाजिब सवाल है जो पूछना पड़ेगा। जी नहीं, मेरा ये मानना है कि मुख्यमंत्री प्रदेश के मुखिया होते और परिवार के मुखिया हो या प्रदेश के मुखिया, उनकी नैतिक जवाबदेही भी है, संवैधानिक जवाबदेही भी है, कानूनी जवाबदेही भी है और सामाजिक जवाबदेही भी है कि वो बताएं कि इस पैसे का इस्तेमाल कोरोना से लड़ाई में इस प्रकार से गरीब, दुकानदार, किसान, मजदूर की स्वास्थ्य सेवाओं या आर्थिक मदद में इस प्रकार से किया जाएगा। सरकार आज संकट की घड़ी में मदद करने की बजाय खट्टर सरकार वसूली सरकार बन गई है। खट्टर साहब ने 1.10 रुपया लीटर डीजल पर अतिरिक्त टैक्स लगा दिया, 1 रुपया लीटर पेट्रोल पर अतिरिक्त टैक्स लगा दिया। छोटे मियां तो छोटे मियां, बड़े मियां सुभान अल्लाह, मोदी जी ने उसके बाद 16 रुपया प्रति लीटर पेट्रोल पर टैक्स लगाया और 13 रुपया प्रति लीटर पेट्रोल पर लगा दिया, डीजल और पेट्रोल पर। 2% जहां कांग्रेस ने टैक्स मुफ्त किया था, इन्होंने तो सब्जी बेचने वाले, फल बेचने वाले लोगों को भी नहीं छोड़ा। 1-2% सब्जी मंडियों और फल मंडियों के ऊपर भी, फूल मंडियों के ऊपर भी टैक्स जड़ दिया। जो यातायात के साधन है, हरियाणा रोडवेज की बसें, 15 पैसा प्रति किलोमीटर उस पर जड़ दिया। और अब तो कुरुक्षेत्र से कैथल या नरवाना या दिल्ली जाने के लिए अब तो एक मिनिमम राशि भी लगा दी। एक तरफ लोगों पर कोरोना की मार, दूसरी तरफ आर्थिक संकट की मार और तीसरी तरफ मोदी और खट्टर सरकारों के टैक्सों की मार। जनता का कर रहे हैं बंटाधार, कहां जनता जाए सरकार, ये तो आपको बताना पड़ेगा, परंतु इसका कोई जवाब नहीं मिला। विधायकों ने शिकायत की थी स्टीकरों की, हमारी अधिकारी सच यह है कि प्रजातांत्रिक प्रणाली हरियाणा में खत्म हो चुकी है। पिछले 5-5.5 महीने में जिस प्रकार से खट्टर सरकार ने अपना जनाधार खोया है वो अप्रत्याशित है। जिस प्रकार से खट्टर सरकार ने हर वर्ग पर हमला किया है वो चौंकाने वाला है। वो छोटा छोटा दुकानदार हो जो 50 दिन तक दुकान बंद करे बैठा रहा और आज भी उसे ऑड इवन के चक्कर में डंडों से पीट रहे, वो छोटा छोटा व्यवसायी हो, चाहे वो कुरुक्षेत्र कैथल का चावल उद्योग वाला, राइस सेलर वाला हो, करनाल का एग्रीकल्चर इंस्ट्रूमेंट उद्योग हो, अंबाला का साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट उद्योग हो, यमुनानगर का और जगाधरी का बर्तन और प्लाईवुड उद्योग हो, पानीपत का हैंडलूम उद्योग हो, ये सारे के सारे पिटे पड़े
परंतु खट्टर सरकार ने क्या फूटी कोड़ी की मदद की, जैसे किसान को प्रताड़ित किया गया, उसके गेहूं और सरसों तीन तीन बार बारिश और ओलावृष्टि की मार के बावजूद भीगती रही, 14.62 रुपया प्रति क्विंटल न्यूनतम समर्थन मूल्य से काट लिए, ये कहकर कि कहीं चमक नहीं है और कहीं नमी की मात्रा अधिक है। जिस प्रकार से आड़ती व्यापारी और मजदूर के गठबंधन को तोड़ने का षड्यंत्र किया गया, ये अपने आप में ऐसा शायद हरियाणा में किसी सरकार ने नहीं किया। और अब तो हद ही हो गई, अब तो धान बंदी खट्टर साहब ने कर दी थी। अगर कांग्रेस और किसान मिलकर प्रदर्शन ना करते तो किसान की जोड़ी पर खट्टर सरकार हठधर्मिता के चलते ना झुकती और आज भी पंचायती जमीन पर धानबंदी कर रखी है। खट्टर साहब कौन है पंचायती जमीन पर ये बताने वाले के कौन सी फसल लगाएं? पंचायती राज संस्था हिंदुस्तान के संविधान में रिकॉग्नाइज संस्थाएं हैं, विधायिका के बराबर की शक्तियां हैं, उन्हें सरकार के आदेशों से बाध्य नहीं किया जा सकता। ये अपने आप में गैर कानूनी और अनैतिक है, इसलिए आए दिन ये यूटर्न सरकार, इसमें मालूम नहीं लेफ्ट को राइट क्या हो रहा है, राइट को लेफ्ट का मालूम नहीं। चुने हुए प्रतिनिधियों की कोई कीमत नहीं, जनता की कोई कीमत नहीं, केवल मुख्यमंत्री और अफसरशाही, ये दो लोग इस सरकार पर हावी हैं। शराब घोटाले की जांच पर आदरणीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर साहब ने जानबूझकर चुप्पी साध रखी है। ऐसा लगता है कि शराब माफिया के तार अफसरशाही में बैठे बड़े बड़े लोगों और राजनीतिक गलियारों के ऊपर तक जुड़े हुए हैं, इसीलिए शराब माफिया कांड की जांच नहीं हो रही। लॉकडाउन में जिस प्रकार से सैकड़ों करोड़ रुपया की शराब नजायज बिकी, आज तक कोई दोषी नहीं पाया गया। खट्टर साहब जानबूझकर शराब माफिया कांड को की वो जांच की बजाय स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम और स्पेशल इंक्वायरी टीम के पचड़े में उलझा रहे हैं। मुख्यमंत्री कभी फाइल का फुटबॉल बना LR को भेज देते हैं और कभी फाइल का फुटबॉल बना उसे एडवोकेट जनरल को भेज देते हैं। पूरा देश कानून जानता है कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में केवल स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का ही गठन किया जा सकता है, स्पेशल इंक्वायरी टीम का नहीं। फिर SIT को भंग कर SET क्यों बनाई गई, ताकि लीपा पोती की जा सके और शराब माफिया जो है वो बच पाए, ये अब बिल्कुल साफ हो गया। ठीक है सर।